तो नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से हमारी एक और नए वीडियो में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने व्हाट्सएप में जो चैट है उसको लोग कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चाहे आपकी कोई पर्सनल या प्राइवेट चैट है तो उसको आप उसको अपने व्हाट्सएप के अंदर यानी कि प्राइवेट रखना चाहते हैं, उसे हाइड करना चाहते हैं, मान लीजिए कि एक तरीके से वो हाइड है यानी कि उसको आप लॉक कर सकते हैं। और लॉक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने चैट को लॉक करके रखा है। अगर आप भी इसमें लॉक करके रखते हैं तो आपके अलावा यहाँ पर कोई भी आपकी चैट को देख नहीं पाएगा। तो कैसे करना है आइए जानते हैं उसके बारे में। जानने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, अगर चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऊपर प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट कमेंट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेशक टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर आपने व्हाट्सएप को ओपन करिएगा। तो मान लीजिए किसी भी चैट पर मुझे यहाँ पर लॉक लगाना है, जैसे इस चैट के ऊपर मुझे लॉक लगाना है तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में इस तरह से क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे की ओर आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा चैट लॉक या लॉक एंड हाइड चैट दिस चैट ऑन दिस डिवाइस, तो इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट है या आपका पासवर्ड है मोबाइल, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में फिंगरप्रिंट नहीं है तो आप पैटर्न डाल सकते हैं जो भी आपने पिन पैटर्न लगाया है, और इस तरह से अनेबल कर देना है। अनेबल कर देने के बाद दोस्तों ये पार्टिकुलर चैट में से ये यहाँ पर चैट आपकी गायब हो जाएगी, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अब देखने के लिए दोस्तों लॉक के चैट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना फिंगर पासवर्ड जो भी है वो यूज़ करना है और यहाँ पर अब आपकी वो चैट दिख जाएगी। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों अपनी चैट को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लीजिएगा।